नमस्कार। साल 2021 में धौलपुर पुलिस कस्टडी से डकैत लक्का गुजर छुड़ाने के मामले में पुलिस ने अब एक और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर जिले के 10,000 रुपये के इनाम बदमाश राहुल गुजर को मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस ने गिरफ्तार किए। गिरफ्तार किए गए बदमाश राहुल गुजर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। मुरैना की थाना पुलिस ने बदमाश राहुल गुजर को टीकरी गांव से गिरफ्तार कर लिया। मामले में थानाधिकारी ने बताया कि यह बदमाश राजस्थान कुख्यात डकैत लक्का गुजर की गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिसने 3 मार्च 2021 को धौलपुर में पुलिस की कस्टडी से डकैत लक्का गुजर को छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। इस पर धौलपुर में लूट और किडनैपिंग के 3 मामले दर्ज है और यह लंबे समय से फरार चल रहा था। बता दें कि पिछले साल 3 मार्च को जब पुलिस रोडेज बस से कुख्यात डकैत धर्मेंद्र लक्का को पैसे के लिए भरतपुर ले जा रही थी, इसी दौरान सैपऊ थाना क्षेत्र में रोडेज बस में चढ़े बदमाश राहुल गुजर उसके साथियों ने पुलिस की आंखों में मिर्ची झोंक कर लक्का गुजर छुड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन इसी दौरान बस में मौजूद एनसीसी कैंडिडेट वसुंधरा चौहान बदमाश उससे भिड़ गई और बदमाशों का प्रयास असफल कर दिया। इसके बाद अशोक गहलोत सरकार ने वसुंधरा चौहान को सब इंस्पेक्टर बना दिया था।